हेलो एवरीवन, आई एम बिनल गरसिया फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इन इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 12, मोर अबाउट वर्ब्स। दिस चैप्टर वी डू इन प्रीवियस लेक्चर। टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज इन अवर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 74, 75 एंड 76। वी लर्न दैट वेन डज वी एड एस और ई एस टू द वर्ब। लेट्स रिमाइंड, वी एड एस और ई एस विद द वर्ब I, we, you, they. We do not add s, e, s with that helping verb. हम, I, we, you, they जब helping verb use होंगे तो उसके साथ जो verb होगा, जो action word होगा, उसके साथ हम s e s add नहीं करेंगे। कब use करेंगे s e s? He, she, it. He, she, it. Male naming word, female naming word, things, animals, इस सब के साथ हम verb होगा तो उसके साथ हम add करेंगे verb में s या तो फिर es। Shall we start? Encircle the correct word. Number one, Rati go या फिर goes to school by bus। यहाँ पे है Rati, female name है तो हमें s e s add करना है। Yes, तो हमारा answer होगा Rati goes to school by bus। नेक्स्ट, आई डू या तो फिर डज। आई डू ऑब्लिक डज माई लॉन्ड्री ऑन संडेज। आई के साथ हम वर्ब में एस ई एस एड करेंगे कि नहीं? नहीं ऐड करेंगे, तो इसीलिए हमारा आंसर होगा आई डू माई लॉन्ड्री ऑन संडेज। थर्ड, द प्लांट्स सॉरी द प्लैनेट्स गो या फिर गोज अराउंड द सन। द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। नेक्स्ट, दिस बस गो या फिर गोज टू आगरा। दिस बस गोज टू आगरा। दिस बस, बस थिंग्स है, इट के साथ थिंग्स है तो इट यूज़ करेंगे। इट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? एस या तो फिर ई एस। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ई एस, जी ओ ई एस, यानी कि गोज। दिस बस गोज टू आगरा। नेक्स्ट, ही के साथ एस ई एस ऐड करना है, इसलिए हमारा आंसर होगा ही डज अ लॉट ऑफ वर्क आफ्टर ऑफिस। ठीक है, बाकी की एक्सरसाइज आपको खुद से घर पे ट्राई करनी है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूज द राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे हमें ब्लैंक्स दी गई है, हमारा आंसर करेक्ट करना है वन हैज़ बीन डन फॉर यू। हमें एस ई एस ऐड करना होगा यहाँ पे। नंबर वन है रैबिट्स, हमें एक आंसर के साथ करके दिया गया है रैबिट्स एट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। रैबिट, बहुत सारे रैबिट है, इसीलिए रैबिट्स ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, नंबर टू, अ लीप ईयर डैश ऑक्यर एवरी 4 ईयर्स। अ लीप ईयर ऑक्यर्स हम ऐड करेंगे एस, अ लीप ईयर ऑक्यर्स एवरी 4 ईयर्स। नेक्स्ट, यू डैश लुक नाइस इन दैट रेड ड्रेस। यू, यू के साथ एस ई एस एड नहीं करेंगे, इसीलिए हमारा आंसर होगा यू लुक नाइस इन दैट रेड ड्रेस। नेक्स्ट, आई, आई के साथ
वर्ब में एस ई एस एड करेंगे या नहीं? नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर होगा आई लाइक पिज्ज़ा वेरी मच, आई लाइक पिज्ज़ा वेरी मच। आपको टेबल में एस ई एस कहाँ पे ऐड किया गया है? यहाँ पे आपको ये आपको टेबल दिया गया है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, तभी आपको पता चलेगा कि एस ई एस कहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो इस टेबल को देखकर आप अगर करते जाएंगे तो आपको एक्सरसाइज भी अच्छे से आएगी। नेक्स्ट है नंबर 5, बेन डैश ड्राइव अ स्पोर्ट्स कार। तो यहाँ पे बेन वो ड्राइव कर रहा है, तो ही या सी होगा। तो यहाँ पे हमें कार में एक लड़का भी दिखाई दे रहा है, तो वो लड़का है। बेन ड्राइव्स, ई एस हम ऐड करेंगे, सॉरी एस ऐड करेंगे, बेन ड्राइव्स अ स्पोर्ट्स कार। तो इसी तरह आपको बाकी की एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पे स्टोरी दी गई है, रीड दिस स्टोरी, स्पॉट द एरर्स एंड करेक्ट देम। यहाँ पे स्टोरी में आपको एरर्स दी गई है, एस या फिर ई एस कहीं पे ऐड नहीं किए गए हैं, तो आपको वो फाइंड करना है और उसे करेक्ट करना है। तो एक पैराग्राफ हम करते हैं, रौनक इज अ नॉटी बॉय, रौनक इज अ नॉटी बॉय, रौनक नॉटी बॉय है। ही लिव इन अ विलेज, ही के साथ वर्ब में एस या फिर ई एस एड होगा, यहाँ पे एस ई एस एड नहीं किया गया है, तो हमारा आंसर होगा ही लिव्स, एल आई वी ई एस, ही लिव्स इन अ विलेज। ही गो टू द विलेज स्कूल, यहाँ पे जी ओ ई एस हमारा आंसर होगा, ही गोज टू द विलेज स्कूल। ड्यूरिंग वेकेशंस His father asked him to take the ship to the field to grass. Vacation के दौरान उसके फादर ने उसे ship को खेतों में चराने के लिए बोला। Ask यहाँ पे होगा, ask के साथ s add करेंगे, ask. His father asked him to take the sheep to the field to grass. He do की जगह होगा does. He does not like it. तो इसी तरह आपको यहाँ पे एरर फाइंड करनी है, और ये एक्सरसाइज आपको सिर्फ आंसर, आपको इस स्टोरी के आंसर आपको इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में करना है। बाकी की आगे की ये जो एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड दोनों जो है वो आप अपने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।